you mm -hmm. नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 18 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के ंग की आज सोमवार है श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो प्रातःकाल आठ बज करके चौवन मिनट तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर बारह बजकर के चौबीस मिनट तक इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शोभन योग करण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज कुंभ राशि में प्रातःकाल छह बजकर के चौतीस मिनट तक इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के सैंतीस दोपहर बारह बजकर के इकतीस मिनट तक, मिन तक का होगा वहीं राहु काल प्रातः साढ़े सात बजे से नौ बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहूर्त एक कोति प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है प्रत्येक राशि के जातक भोलेनाथ की किस तरह से आराधना करें वो मैंने पूर्व में शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया है फिर भी आज प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या उपयुक्त है भोलेनाथ की आराधना किस तरह से करनी है वो बताऊंगा तो दिव्य महाप्रयोग की बात होगी आगे राशिफल की भी चर्चा होगी और साथ ही साथ तेईस जुलाई दिन शनिवार के मुहूर्त की भी चर्चा होगी लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की मंगल और राहु युति बनाकर राशि में संचरण कर रहे हैं शुक्र मिथुन में है सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं तो हैं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में चंद्रमा कुंभ में है प्रातःकालीन छह चौंतीस पर यह राशि परिवर्तन करके मीन में प्रवेश करेंगे और देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण कर देंगे अब देखा जाए तो आज गजकेसरी योग का निर्माण होने वाला है गुरु और चंद्रमा की युति से तो ये दिन आपको आज किस तरह से प्रभावित करने वाला है आज नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो सप्ताह का पहला दिन एक तरह से होता है कार्यस्थल पर तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे जब चंद्रमा तो आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज, आज आपको बचना है और भोलेनाथ की कैसे किस विधि से आराधना करनी है जिससे आज का ये दिन और कहीं ना कहीं आपका पूरा महीना पूरा वर्ष ठीक हो जाए तो इसके लिए कौन सा उपाय करना है इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह ग्रहस्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं सबसे पहले तेईस जुलाई दिन शनिवार के मुहूर्त की चर्चा करें तो कोई विशेष मुहूर्त अब सीधी सी बात है कि इस समय कोई विशेष मुहूर्त का समय है ही नहीं भगवान स्वयं कर गए हैं तो शस्त्र निर्माण इत्यादि का मुहूर्त मिल रहा है एक मुहूर्त मिल रहा है कैसा तो जीर्ण गृह में प्रवेश करने के लिए गृह प्रवेश का ही मुहूर्त है लेकिन जीर्ण गृह में अभी किन के लिए है या तो आपने कोई पुराना घर खरीदा हो और गृह प्रवेश करना चाहते हो एक अथवा प्राय किराए के घर में भी जब आप एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाते हो रहना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त देखा जाता है जिससे जीर्णादिगृह प्रवेश कहा जाता है अब समस्या यह है कि ये जो मुहूर्त मिल रहा है ये रात्रि में है पर संभव है किया जा सकता है कब है तो रात्रि में नौ बज करके बत्तीस मिनट तक दो मुहूर्त आपको मिल रहे हैं एक देखा जाए तो कुंभ लग्न है और इसी में आपको प्रवेश करने का मुहूर्त मिल रहा है ये रात्रि में है जाकर के लगभग दस बजे के बाद ही है ये और इसमें दोनों मुहूर्तों में आप रात्रि में कर सकते हैं आठ बज करके बारह मिनट से प्रारंभ करके और फिर रात्रि में बारह बजे तक है ये मुहूर्त इस दौरान कभी भी आप गृह प्रवेश जीर्ण गृह में प्रवेश कर सकते हैं एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या फिर रात्रि में पूजा पाठ बिल्कुल किया जा सकता है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं मैंने क्या कहा यह नूतन घर के लिए नहीं है पुराने घर के लिए है अब पुराने घर में जब आप प्रवेश करते हैं तो इतना ज्यादा कोई बहुत वो तो करते नहीं हैं सामान्य छोटा मोटा पूजा करके गणेश जी का ध्यान करके आप प्रवेश कर सकते हैं राशिफल की ओर चलो उससे पूर्व कुछ सूत्र आज आपको समझाता हूं कुछ बातें ज्योतिषीय बातें आपको समझा रहा हूं इसे जरा समझिए जन्म कुंडली में पापग्रह जब उसकी दशा आती है वो जब अपना प्रभाव देता है या गोचर में भी जब कोई पाप ग्रह प्रभाव अपना देना प्रारंभ करता है तो वो सबसे पहले अपना पाप प्रभाव देता है ध्यान से सुनिए मैं आगे आपको समझाता हूं वो सबसे पहले अपना पाप प्रभाव देता है और सौम्य ग्रह पापफल बाद में देता है अब इसका क्या मतलब हुआ जरा समझिए मान लीजिए कि कुंडली में भाग्येश आपके शनिदेव हैं और शनि की दशा आई तो शनि कैसे ग्रह हैं पाप ग्रह हैं अब शनि जब पाप ग्रह हैं उनकी दशा आई तो कई बार आप क्या सोच के बैठे हैं कि शनि आएंगे और सारा जीवन बदल देंगे क्योंकि वो भाग्य से पर ऐसा नहीं होगा वो पहले अपना पाप प्रभाव देंगे तो सवाल खड़ा होता है कि वो पाप प्रभाव क्या देंगे वो तो भाग्य से मैंने कहा कि वो जिन जिन रिश्तों से नवम भाव से पिता का विचार करेंगे तृतीय से छोटे भाई बहन का विचार करेंगे लाभ से मैं जहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी उसकी चर्चा कर रहा हूँ आपके बड़े भाई बहनों का षष्ठ से मामा का इन सभी भावों पर नवमस नौमेष सनी की अब उसमें भी सनी जहाँ बैठे हों ये तो मान लिया जाए कि नौ बनकर के नवम में बैठे हैं तो उसकी बात में कर दिया इन भावों से दृष्टि कहीं और बैठे हैं तो वहाँ से वो तीसरे सातवें और दसवें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो उनसे संबंधित रिश्तों को कमजोर ही करेंगे कहीं ना कहीं जातक के लिए पाप प्रभाव पहले और बाद में भाग्य सोने का वो फर्ज निभाएंगे और आपको भाग्य आपका भाग्योदय कराएंगे परंतु सौम्य ग्रह हो तो सौम्य सौम्य ग्रह ग्रह फिर बुरा प्रभाव क्यों देगा के बारे में यह चर्चा इसलिए हो रही कि उदाहरण से मान लीजिए सौम्य ग्रह मार्केश हो आपकी कुंडली में त्रिक भाव का स्वामी हो इसके बावजूद वो अपने स्वभावानुकूल अच्छा फल पहले दे देगा और फिर मारकेश होने का वो आपके ऊपर प्रभाव देगा आप इस सूत्र को आज मान लीजिए एक और सूत्र आपको समझाता हूं कुंडली में शनिदेव अस्त भी हो तो याद रखिएगा कि वो कमजोर नहीं होते हैं। शनि का अस्त होने पर भी वही प्रभाव देखने में आता है जो उनके सामान्य स्थिति में इसके पीछे रीजन क्या है कारण क्या है प्रिय दर्शकों ये पूरी तरह से विज्ञान है ज्योतिष और इसको समझना पड़ेगा जरा सा आपको पता है कि शनिदेव काले के प्र... अंधकार के प्रतीक क्यों हैं क्योंकि सूर्य की रश्मियां सबसे कम उनके पास ही पहुंच पाती है मेरे दिमाग में कई ऐसे विषय हैं जिस पर आने वाले दिनों में जब मैं बाहर रहूंगा यहां रहता हूं तो तब तो विषय ही हर दिन के होते हैं बाहर रहूंगा तो इन विषयों पर चर्चा करूंगा क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसे हम लोग इस समय धरती पर हैं पृथ्वी पर हैं अगर हम चंद्रमा पर होते तो हमारी कुंडली पर कैसा प्रभाव होता चंद्रमा क्या हमारी कुंडली में होता इत्यादि विषय पर मैं चर्चा आपको करके बताऊंगा यहां बात शनिदेव की चल रही थी कि शनिदेव असल में सूर्य से बहुत बहुत ही दूरी पर हैं जहां सूर्य की रश्मियां सबसे कम पहुंच पाती हैं तो अस्त होने की अवस्था में भी ऐसा। एक सिद्ध में जब आ जाते हैं ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि एक ही सिद्ध में आ जाए तब भी वो इतना कम प्रभाव उन तक तो पहुंच पाता है सूर्य उनको पूरी तरह से कभी अस्त नहीं कर पाते हैं तो ये कारण है कि सूर्य शनि अस्त होकर के भी अपने प्रभाव में कोई कमी नहीं लाते हैं अर्थात अगर जन्म कुंडली में आपके शनिदेव मान लीजिए केंद्र में तो केंद्रगत शनि के बारे में या लाभगत शनि की दृष्टि जिस लग्न पर पड़ती है तो मैं हमेशा क्या कहा करता हूं कि ये हर कार्य को विलंबित करने वाले बन जाते हैं लेकिन अगर अस्त भी हैं तो हम ये मान करके नहीं चल सकते कि नहीं वो प्रभाव नहीं देंगे वो अपना प्रभाव देंगे ही देंगे अगर विलंब करा रहे हैं तो विलंब ही कराएंगे इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है चलते हैं अब राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज राशि पर ही है और राशि से, से, से बारहवें जाएंगे गजकेश्वरीयों का निर्माण करेंगे गुरु से बज करके चौतीस मिनट के पश्चात तो ये चंद्रमा लाभ भाव में अच्छी है अच्छी स्थिति है बारहवें जब जाते हैं तब भी मैं कहूंगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं परंतु एक बात ध्यान रखना है आज सप्ताह का पहला दिन होगा कार्यस्थल पर कोई भी काम करिए पहले उसकी पुनरावृत्ति करिए दोबारा उसको एक बार चेक अवश्य कर लीजिएगा आज इस बात की प्रबल संभावना बनेगी कि आपसे कार्यों में गलती हो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे आज खुश रहेंगे और कार्यस्थल का वातावरण अगर खराब भी होता है तब भी आपको कोई दिक्कत आज नहीं होने वाली है बस इतना ही मैंने कहा है कि कोई भी काम करना है काम को रीचेक जरूर करना है तब कोई दिक्कत नहीं आएगी व्यापारियों के लिए मैं कह चुका हूँ दिन बढ़िया है मेहनत से आज दिन भरा रहेगा लेकिन सावधानी के साथ काम करते चले जाइए सफलता मिलेगी बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए नहीं काम बिगड़ सकता है जीवन साथी का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा जीवन साथी से लाभ मिलने वाला है जीवन साथी से सुख प्रेम प्राप्त होगा प्रेमियों के लिए भी दिन लगभग ठीक है और विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो बहुत अच्छा है दिन वो सभी विद्यार्थी जो स्वदेश से बाहर अथवा अपने जन्मस्थान से दूर रहकर के परदेश में शिक्षा ग्रहण करें उनके लिए बहुत बढ़िया समय दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बेचैनी रहने वाली है मन अशांत या बेचैन हो सकता है प्राणायाम करिए आज सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए प्राणायाम करने से आपकी बेचैनी दूर होगी लेकिन उपाय तो आज भोलेनाथ की आराधना करनी है आज सोमवार है और आप एक काम करिए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिए कोई भी जल ले लीजिए और उसमें इत्र मिला लीजिए यह ऐश्वर्य की वृद्धि करता है तो ज, ऐसे देखिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा शिव मंदिर हो छोटा मोटा भूत चलेगा शिवलिंग मतलब है तो इत्र मिश्रित जल से आज भोलेनाथ का अभिषेक करिए और कपूर से उनकी आरती करिए बस इसी से सब कुछ ठीक होगा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज मैरून है निवेश इत्यादि आज ना करें वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना छह चौतीस के बाद ये चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में आ जाएंगे गजकेश्वरी योग का निर्माण करेंगे दिन ठीक है परंतु बहुत ज्यादा आसिक मिजाजी आप पर भारी पड़ जाएगी तो इस मामले में जरा सावधान रहिएगा अभद्र भाषा गलत टीका टिप्पणी आपको मुसीबत में डालने वाली है बाकी कार्य क्षेत्र में दिन ठीक है आपको यूं समझ लीजिए कि पुराने किए कार्यों का भी फायदा मिलने वाला है लाभ की स्थिति में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है यहाँ चंद्रमा का परिवर्तन लाभ में जब होगा छः चौंतीस पर तो ये गजकेसरी का निर्माण होने के कारण लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होगी ऑफिस में भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है कोई पहल करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं दिन आपके पक्ष में है और यूँ समझ लीजिए आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेष्ठ परिणाम आपको आने वाले समय तक प्राप्त होता रहेगा अधिकारी वर्ग भी आज आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है विशेष करके अगर आप प्रॉपर्टी के डीलर हैं बहुत बढ़िया कोई प्रॉपर्टी बहुत दिनों से अगर फंसी हुई थी वो कहीं ना कहीं निकलने वाली है और कानूनी मसलों से जूझ रहे तो यहां भी निपटारा हो जाएगा आपको राहत मिलने वाली है दूसरों की बातों में आने से बचना है जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी के प्रति आपको थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा अगर आपका जीवन साथी किसी भी तरह से मानसिक रूप से अशांत है तो आपको जरा उनका साथ देना चाहिए विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी समय आपके लिए बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है आपको भी वृषभ राशि के जातकों को भी जल में इत्र मिश्रित करके भोलेनाथ पर अर्पित करना है और कपूर से भोलेनाथ की आरती करनी है लकी अंक पांच लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है निवेश आप कर सकते हैं मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य में है ये चंद्रमा छह चौंतीस के बाद राशि परिवर्तन करके कर्म में जाएंगे गजकेश्वरीयों का निर्माण सो आपके सपनों को ये पूरा कर देंगे दिन खुशनुमा होगा विशेषकर सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है कार्यस्थल पर भी मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी आपके द्वारा लिया गया फैसला सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है व्यापारी वर्ग भी व्यापार में रिस्क ले सकता है परंतु किसी को धन उधार नहीं दे सकता दिया गया पैसा वापस कैसे मिले इसके लिए आपको जतन करनी चाहिए कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं किसी भी मामले में लापरवाही मत करिए प्रेम संबंध के लिए दिन आपका हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन सुखमय और बढ़िया भी बीतता दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा क्या करना है मिथुन राशि के जातकों को मिथुन राशि के जातक आज सायंकाल तिल तेल का दिया हनुमान जी शिव जी के समुख जाकर के जलाएं और दिन में हो सके तो पंचामृत जाकर के भोलेनाथ पर अमृत अर्पित करिएगा इससे आपको लाभ मिलेगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है निवेश आप कर सकते हैं कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना छह चौंतीस तक इसके पश्चात भाग्य में आ जाने के चलते भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है किसी भी तरह की कठिन स्थिति को सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है जो भी छोटी मोटी परेशानियां बीते दिनों में आई थी समझ लीजिए दूर हो जाएगी भाग्य का साथ मिल रहा है सो सबकी सबका आशीर्वाद लीजिए कैसे मिलेगा वो सबकी मदद कीजिए जितना हो सके दूसरों की मदद करिए दूसरों की मदद से आपका सब कुछ स्वतः ठीक होता चला जाएगा नौकरी पैसा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा काम में आपका मन लगा रहेगा धन लाभ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूं कहूंगा और किसी भी तरह का निवेश किसी भी तरह का निवेश आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है वाणी पर संयम जरूरी है जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर रहा था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है क्या करना है 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 प्रातः काल शिव शिव जी जी पर दही जाकर जाकर के 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 चढ़ाना और सायंकाल तिल तेल का दिया के सम्मुख जलाना दोनों समय नहीं जा सकते तो शाम को जाइए और जाकर के तिल तेल का दिया शिव जी के सम्मुख अवश्य ही जलाइएगा लकी अंक तीन और लकी कलर भूरा निवेश आप करना चाहें करिए शुम्य के जातकों के लिए गोचर कुंडली में जो परिवर्तन होगा तो चंद्रमा आपकी राशि से छह चौंतीस के बाद अष्टम में चले जाएंगे अब देखिए अष्टम चंद्रमा जब होंगे तो थोड़ी मानसिक अशांति तो आएगी लेकिन नौकरी में अगर ट्रांसफर इत्यादि की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए खुशखबरी है कोशिश करते रहिए आपका हर कार्य बनता दिखाई पा रहा है किसी भी कार्य में ऊपर ऊपर से मत कूदिए पहले परिस्थितियों को जानिए भापिए उसके भीतर जाइए उसकी गहराइयों को समझिए और फिर कोई कार्य करिए आपको दिक्कत नहीं होगी नौकरी व्यापार हर दृष्टिकोण से दिन सामान्यतः ठीक है कार्यस्थल पर दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा बीतता हुआ सबको आप अपने पक्ष में कर लेंगे धैर्य बहुत जरूरी है धैर्य के साथ करी काम करिए और जहां भी रहिए अपनी बात मजबूती के साथ रखिए अपनी प्लानिंग हर किसी से शेयर मत करिए अपनी बातें जरा गुप्त रखने का प्रयत्न करिए प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा हालांकि किसी न किसी सामान्य बात को लेकर के तूतु में मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी जैसे पेट जन्य रोग की संभावना बन रही है जितने भी सिंह राशि के जातक हैं क्या करें तो इत्र मिश्रित जल आज प्रातः काल भोलेनाथ पर अर्पित करें और कपूर से सावन का पहला सोमवार है यह करना है कपूर से उनकी आरती करें लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए सफेद है निवेश ना करें कन्या के जातकों के लिए ठीक है दिन गोचर कुंडली की स्थिति बता रही है कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं फायदा आपको मिलने वाला है कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं बल्कि एक अच्छी बात आपके लिए यह है कि आप केवल नया कार्य मत करिए पुराने कार्यों को भी देखते हुए नया कार्य करिए पुराने कार्यों को देखते हुए नया कार्य करने का मतलब है कि जो भी आपकी परेशानियां बीते दिनों में हुई हैं जो उलझने हुई हैं कार्य जो उलझे हुए हैं उनको पहले समेट लीजिए उनको ठीक करिए फिर नया कार्य करिए नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा परंतु व्यापारी वर्ग किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहे गोचर कुंडली में चंद्रमा का जब परिवर्तन होगा प्रातःकाल छः चौंतीस के बाद इससे पहले षष्ठ में इसके पश्चात सप्तम में आ जाएंगे बहुत बढ़िया होगा जीवन साथी का साथ मिलेगा वाणी पर संयम जरूरी है किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करिएगा अविवाहित हैं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है प्यार का इजहार करना चाहे तो हालांकि आज प्यार का इजहार आपको नहीं करना सामने से ही प्रेम प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा हर तरह की शिक्षा के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य है शिव मंदिर में जाना है भोलेनाथ का आज दर्शन करना है भोलेनाथ पर आज सभी कन्या राशि के जातक दूध अर्पित करें और सायंकाल तिल तिल का दिया भोलेनाथ के सम्मुख अवश्य जलाएं लकी अंक आठ लकी कलर सिंदूरी अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो शाम को अवश्य ही जाकर के तिल तेल का दिया जला दीजिएगा तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है राशि परिवर्तन करेंगे छह चौंतीस के बाद षष्ठ में आ जाएंगे तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा दिन मुश्किलों में डालेगा आपको मुश्किलों में वैसे नहीं पड़ेंगे ऐसा समझ लीजिए कि नकारात्मकता बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी या यूं कहिए कि नकारात्मक विचार नकारात्मक माहौल चारों तरफ क्रिएट होगा इससे आपको जरा सचेत रहना है इससे बच जाना ही आपके लिए लाभ देने वाला है कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो विचार को आगे स्थापित बढ़ाइए और कदम आगे बढ़ाइए लेकिन क्योंकि गोचर कुंडली की स्थिति थोड़ी परेशानी देने वाली है सो सोच समझ करके विचार करके और सलाह लेकर के करेंगे तो ठीक होगा नौकरी पैसा लोगों के लिए दिन सामान्य व्यापारियों को व्यर्थ के लिए व्यर्थ की परेशानी होगी भागदौड़ थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा और धन को लेकर के भी चिंता होगी प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आज आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं सचेत रहिएगा और अपनी कोई गुप्त बात आज किसी से, से शेयर मत करिएगा प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा हाँ जीवन साथी के साथ संबंध तो ठीक है परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान होना पड़ेगा विद्यार्थियों के लिए नकारात्मक रहने वाला है दिन मन पढ़ाई से भागेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है जैसे कमर दर्द बदन दर्द या चोट चपेट की घटना आज घटित हो आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए भोलेनाथ के मंदिर में बैठ करके त्रक्षरीरी लघु महामृत्यु लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम रौम जुम सह उस मंत्र का तीन माला जप करिए और सायंकाल तिल तेल का दिया अब ऐसा करिए कि आप सुबह हम ना जा करके शाम को ही चले जाइए त्रक्षरीरी गुरु महा लघु महामृत्युंजय मंत्र शाम को जप करके और तिल तेल का दिया जला करके वहाँ भोलेनाथ को दिखा दीजिए और वहीं बैठ कर के मंत्र का जप भी कर लीजिए केवल मैं आज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ ये सावन का पहला सोमवार है महीना भर नहीं वर्ष भर के लिए और वृश्चिक की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बताती है कि चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है पंचम में प्रातः काल छः बजकर के चौंतीस मिनट पर जाएंगे तो ये दिन बहुत बढ़िया आपके लिए मतलब समझ लीजिए कि हर तरह से दिन आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है मन में अगर कोई चिंता थी विशेष करके धन को लेकर के तो फिर चिंता का है कि चिंता को दूर करिए और कोई भी विचार मन में उत्पन्न हो रहा है उस पर कार्य शुरू करिए कार्यक्षेत्र में सब कुछ बहुत बढ़िया है सम्मान मिलेगा सहयोग मिलेगा कार्यस्थल पर आपका दिन हर तरह से बहुत बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है किसी तरह का, का कागजी कोई कार्य कर रहे हैं अवश्य करिए दिन उस मामले में बढ़िया परंतु लापरवाही मत करिए लापरवाही से बचना होगा अगर लापरवाही कहीं लगती है कि हो सकता है तो एक बार किसी से रिचेक भी करा लीजिएगा व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है व्यापार से संबंधित नए नई योजनाएं बनती दिखाई पड़ रही है व्यापारिक नए व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे यानी कुल मिलाकर की स्थिति आपके पक्ष में है किसी भी मामले में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है जीवन साथी का मूड बहुत अच्छा दिखाई पा रहा है प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं दिन अत्यंत तो श्रेष्ठ है स्वास्थ्य के मामले में अगर मानसिक रूप से आप परेशान थे किसी भी तरह से शारीरिक रूप से या किसी भी तरह से मानसिक रूप से परेशान थे आपको राहत हाँ मिलेगी लकी अंक आपके लिए पांच लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और आज भोलेनाथ पर शहद अर्पित करें और सायंकाल तिल तेल का दिया भोलेनाथ के सम्मुख अवश्य जलाइए निवेश आप कर सकते हैं धनु के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना या चंद्रमा राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में जाएंगे गजकेश्वरी योग का निर्माण आपको पूरी तरह से आपके लिए है बहुत बढ़िया होगा दिन धन के दृष्टिकोण से जन्म के दृष्टिकोण से यानी पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है नौकरी पैसा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए नौकरी में वेतन वृद्धि इत्यादि से संबंधित या कोई सुखद सूचना आपको प्राप्त होगी कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो दिन अच्छा है जो उच्च अधिकारी है उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और कार्यस्थल पर दिन है व्यस्तता भरा लेकिन सफलता प्रदायक व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा जहां भी निवेश करने की सोच रहे हैं विचार करके अवश्य निवेश करिए क्योंकि निवेश से लाभ होगा यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो सावधानी के साथ यात्रा भी कर सकते हैं लेकिन वाहन चलाने में लापरवाही मत करिएगा नहीं दुर्घटना की संभावना है और प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं क्योंकि सफलता की प्रबल सूचना है विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा सफलता हर तरह से मिलती दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक परेशानियां आज आपको होने वाली है तो स्वास्थ्य को लेकर के तो सचेत रहना ही पड़ेगा शिव मंदिर में जाइए शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करिए जैसे धतूरे का या कमल का पुष्प आपको मिल जाए तो अर्पित करिए और साथ ही साथ सायंकाल तिल तेल का दिया भोलेनाथ के समुख अर्पित जलाइएगा लकी लिए चार लकी कलर हल्का पीला है निवेश भी आप कर सकते हैं मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की राशि से द्वितीय में है ये चंद्रमा प्रातः काल छह चौतीस व राशि परिवर्तन करके तृतीय में जाएंगे आपके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा किसी पुरानी चिंता से मुक्ति मिले मिलने वाली है गजके का प्रभाव समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ आ जाएगा दिमाग आज पूरी तरह से आपका सक्रिय हो जाएगा एक के बाद एक कई तरह के आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे और उसका आपको फायदा मिलेगा कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया आपका प्रदर्शन जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है जरूरत पड़ने पर मित्रों से सहयोग मिलेगा और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा व्यापार में फायदा मिलने वाला है मेहनत जरूर थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन समझ लीजिए कि आज के दिन का आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए जीवन साथी से सहयोग मिलेगा धन लाभ के भी योग हैं प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं यहां भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए जरूर थोड़ा सा नकारात्मक ये नकारात्मकता आपकी मनमानी के कारण है वैसे देखा जाए तो कोई ऐसा नकारात्मक दिन नहीं है पर संभव है कि मन थोड़ा भटकेगा और आज स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहना है स्वास्थ्य में पेटजन्य समस्या दिखाई पड़ रही है आज सभी मकर राशि के जातक सबसे पहला काम ये करें शिव मंदिर में जाएं और भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल अर्पित करें और सायंकाल तिलतेल का दिया भोलेनाथ के सम्मुख अवश्य जलाइए लकी अंक चार लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है निवेश कर सकते हैं कुंभ के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना छः चौंतीस के बाद आपकी राशि से द्वितीय में चले जाएंगे गजकेशरी का निर्माण इसका लाभ आपको भी मिलेगा परिवार के मध्य अगर कोई समस्या चल रही अथवा आपकी वाणी के कारण आपका उलपटांग बोल देना या ऐसा बोल देना जिसके चलते कोई बुरा मान गया था शत्रु बन गया था और उससे अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई थी तो वो समस्या निपटने वाली है वो दूर होगी कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी और कार्यस्थल पर देखें तो दिन ठीक है आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं करवा सकते हैं खुद को अगर साबित करने का है तो ये समय आपके लिए अच्छा है दोस्तों से जरूरत पड़ने पर मदद मिल जाएगी धन संबंधी सहयोग भी प्राप्त होगा व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है शेयर मार्केट में निवेश आप कर सकते हैं लाभ होगा और आज अपनी योजना का जिक्र किसी से मत करिए अपनी बातें जितना गुप्त रख सकते हैं वही आपके लिए अच्छा है अविवाहितों के लिए भी दिन बढ़िया है क्योंकि विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है विवाह तय होता दिखाई पड़ रहा है और अगर आपका जीवन साथी नाराज है या जीवन साथी से किसी तरह की तूतुमय में विवाद की स्थिति बनी है तो उसे दूर करने के लिए आप ही को आगे आना चाहिए विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल और अच्छा परिणाम देने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी कमल पुष्प भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए और तिल तेल का दिया सायंकाल अवश्य ही भोलेनाथ के सम्मुख जलाइएगा जाकर के लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है मीन के जातकों की बात करूं तो गुजर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें में है आपकी राशि पर आ जाएंगे अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए ज्ञान धैर्य सहनशीलता और यूँ समझ लीजिए कि आज आपको आपके हर कार्य में सफलता मिल जाएगी कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है आपके जो साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे पूर्व से चली आ रही कोई समस्या कोई विवाद या परेशानी थी उलझन सुलझने वाली है व्यापारी वर्ग के लिए दिन पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है धन संबंधी कोई परेशानी थी कोई समस्या आ गई थी धन से जुड़ा कोई कष्ट था समझ लीजिए ये समस्या भी शाम होते होते दूर तक दूर हो जाएगी कोई नया और बड़ा अवसर आपको मिलेगा जीवन साथी का अपमान भूल कर भी मत करिए जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए रिश्तों में जैसे भी हो सके मजबूती लाइए विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है मन आपका पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं खान पान पर नियंत्रण रखिएगा इसी से काम बन जाएगा शिव मंदिर में आज जरूर जाइए भोलेनाथ का दर्शन करने भर मात्र से आपका काम बन जाएगा और सायंकाल तिलतेल का दिया भोलेनाथ के सम्मुख शिवलिंग के समुख अवश्य जलाइएगा सावन का पहला सोमवार ही अवश्य करिए लकी अंक लकी कलर आपके लिए आज लाल निवेश भी आप कर सकते हैं तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार